आज के लेक्चर में हम यूनिट वेक्टर के एप्लीकेशन को बताएंगे। जैसे यूनिट वेक्टर के कॉन्सेप्ट पर बहुत ज़्यादा हम जोर दिए हैं, तो ये दिमाग में आ रहा होगा कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पर इतना ज़्यादा जोर क्यों दिया जा रहा है। तो आज यूनिट वेक्टर को और डिटेल करके और आईआईटी में जो क्वेश्चन आया हुआ है उसको हम बताएंगे कि देखिए क्यों यूनिट वेक्टर की कॉन्सेप्ट पर इतना जोर हम देते हैं। देखिए आगे, जैसे लास्ट टाइम पर हमने बताया कि एक्स एक्सिस से अगर थीटा एंगल पर हम यूनिट वेक्टर निकालते हैं, थीटा एंगल पर, एक्स एक्सिस से थीटा एंगल पर अगर यूनिट वेक्टर हम फाइंड करते हैं तो आर कैप इक्वल टू क्या पाते हैं, कास थीटा टाइम्स आई प्लस साइन थीटा टाइम्स जे पा जाते हैं। ऐसे ही अगर इसके जस्ट अपोजिट हमको फाइंड करना हो तो ये इस डायरेक्शन में अगर फाइंड करना हो तो हम इसको बोलेंगे माइनस आर कैप। तो माइनस आर कैप मतलब इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर अलॉन्ग दिस डायरेक्शन, तो यूनिट वेक्टर अलॉन्ग दिस डायरेक्शन, तो माइनस आर कैप अगर हम करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस, और यहाँ क्या आर कैप के प्लेस पर क्या लिखते हैं, कास थीटा टाइम्स आई प्लस साइन थीटा टाइम्स जे कर दिया। ओपन अगर करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस कास थीटा टाइम्स आई माइनस साइन थीटा टाइम्स जे, इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर, इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर। ऐसे ही अगर हम इस डायरेक्शन में निकालना चाहें, मतलब इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर अगर निकालना चाहें तो केवल हम इससे एंगल देखेंगे, एक्स एक्सिस से कितने एंगल पर है, ये देखिए ये एक्स एक्सिस है और ये थीटा एंगल पर हमने लिया। अगर हम कहें कि इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना चाह रहे हैं, इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना चाह रहे हैं तो कैसे निकालेंगे, तो सीधे सीधे केवल हम इतना कर लेंगे कि यहाँ से पूरा ये एंगल देख लेंगे, जो भी एंगल आएगा उस पर कास टाइम्स आई प्लस साइन टाइम्स जे कर देंगे सीधे सीधे। तो इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर हम लिखते हैं कास थीटा टाइम्स आई माइ प्लस साइन थीटा टाइम्स जे, और इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर, इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर हो जाएगा माइनस आर कैप, और माइनस आर कैप मतलब माइनस कास थीटा टाइम्स आई माइनस साइन थीटा टाइम्स जे। नेक्स्ट देखिए, अगर ऐसा हम करें एक्स एक्सिस से इधर की तरफ ले लें, इस डायरेक्शन में आना चाह रहे हैं, ये एंगल क्लॉकवाइज आ रहे हैं और क्लॉकवाइज आ रहे हैं तो इसको माइनस थीटा लिखेंगे, इसको प्लस थीटा लिखते हैं क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं, एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं और यहाँ एक्स एक्सिस से क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं। तो एक्स एक्सिस से अगर क्लॉकवाइज मूव करेंगे और यहाँ हम कहें कि यूनिट वेक्टर बताइए तो क्या हो जाएगा, अगर आर डैश लेने इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर तो सीधे सीधे वही फार्मूला, कास ऑफ दिस एंगल कास ऑफ माइनस थीटा टाइम्स आई प्लस साइन ऑफ माइनस थीटा टाइम्स जे, ये एक्स एक्सिस से कितना एंगल फॉर्म कर रहा है, माइनस थीटा, तो कास ऑफ माइनस थीटा टाइम्स आई प्लस साइन ऑफ माइनस थीटा टाइम्स जे, और ये आ जाएगा कास माइनस थीटा कास थीटा टाइम्स आई और साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा टाइम्स जे, ये आर डैश है इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर, मतलब आर डैश इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, तो कास थीटा टाइम्स आई माइनस साइन थीटा टाइम्स जे कर दिया। अगर इसके अपोजिट में हम चाहते हैं, ऐसे चाहते हैं, ये डायरेक्शन में चाहते हैं यूनिट वेक्टर, तो माइनस आर डैश कर देंगे और माइनस आर डैश का मतलब बस इस पर माइनस लगा देंगे जो भी है, माइनस कास थीटा आई और प्लस साइन थीटा जे। बहुत यूजफुल कॉन्सेप्ट है, अभी हम बताते हैं। एक इसी 2020 सेवेंथ जनवरी 20 का आया हुआ क्वेश्चन है, आईआईटी का क्वेश्चन नंबर 17 करके है, अभी एप्लीकेशन हम करेंगे इसका, तब आपको समझ में आएगा कि यूनिट वेक्टर के कॉन्सेप्ट इतना ज़्यादा क्यों जोड़ देते हैं। अब देखिए यहाँ पर
एक चीज़ और, एक न्यूमेरिकल भी हम बता दें, जैसे हम कहें फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड, फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड फाइव रूट टू यूनिट एलॉन्ग अ डायरेक्शन, एलॉन्ग अ डायरेक्शन विच मेक्स एंगल ऑफ 45 डिग्री फ्रॉम एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से 45 डिग्री पर एंगल फॉर्म करें। ऐसे वेक्टर को फाइंड करना है जिसका मैग्नीट्यूड 5 रूट 2 यूनिट है, किस डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस से 45 डिग्री, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पूछ रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज नहीं एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम जानना चाह रहे हैं, बल्कि यहाँ लिख दे रहे हैं एलॉन्ग एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन, एलॉन्ग एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन। अब देखिए, मान लीजिए कि रिक्वायर्ड वेक्टर को हमने आर कह दिया, कि लेट रिक्वायर्ड वेक्टर इज आर वेक्टर, ऐसा हमने कह दिया, लेट रिक्वायर्ड वेक्टर इज आर वेक्टर, रिक्वायर्ड वेक्टर उसको नोटेशन आर वेक्टर हमने दे दिया। क्या गिवन है, इस वेक्टर का मॉडुलस दिया है या आर, फाइव रूट टू यूनिट दिया है, और थीटा कितना है 45 डिग्री, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में दिया है, मतलब एक्स एक्सिस है, इससे एंटी क्लॉकवाइज सेंस में हम बात कर रहे हैं, ये ऐसे थीटा इक्वल टू क्या 45 डिग्री प्लस लेंगे, इस डायरेक्शन का चाहिए, तो हम वेक्टर को क्या ले लें, किसी वेक्टर को फाइंड करने के लिए क्या हमने बताया, उस वेक्टर का मॉडुलस चाहिए और उसी वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर चाहिए। फिर एक बार हम बोल दे रहे हैं, किसी वेक्टर को फाइंड करने के लिए उस वेक्टर का मॉडुलस चाहिए, उस वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर चाहिए। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ मॉड आर कितना है, मॉड आर फाइव रूट टू है, और इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर, तो इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे, तो एक्स एक्सिस से कितने गए 45 पर, कर देंगे कॉस 45 टाइम्स आई प्लस साइन 45 टाइम्स जे, चाहे तो 1 अपान रूट टू आई प्लस जे कर दें, मतलब आर कैप के प्लेस पर क्या लिख दें, 1 अपान रूट टू टाइम्स आई प्लस जे, आर कैप के प्लेस पर 1 अपान रूट टू टाइम्स आई प्लस जे, और इसको कर देंगे 5 आई प्लस जे, इस तरीके से हम फाइंड कर लेंगे। ऐसे मान लीजिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कहें, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो थीटा माइनस 45 कर देंगे, और कॉस माइनस 45 टाइम्स आई प्लस साइन माइनस 45 टाइम्स जे कर देंगे, इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। अब जो कंपटीशन में आया हुआ क्वेश्चन उसको देखिए, जहां हम यूनिट वेक्टर की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 17 है, 7 जनवरी 2020 का मॉर्निंग शिफ्ट में आया हुआ है। हाँ देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 था 7 जनवरी 2020 के पेपर में, और मॉर्निंग शिफ्ट में आया हुआ है। टू इनफाइनाइट प्लेन्स ईच विद यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा, ठीक है, कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। फिर आगे क्वेश्चन, आर किप्ट इन सच अ वे दैट द एंगल बिटवीन देम इज 30 डिग्री, द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन सोन बिटवीन देम इज गिवन बाई, ये है ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है,
तो ये दिया हुआ है फर्स्ट ऑब्जेक्ट, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, ए सिग्मा अपान टू एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपान टू एप्सिलॉन नॉट और टाइम्स वन माइनस रूट थ्री अपान टू टाइम्स एक्स कैप लिखा है और वाई कैप माइनस वन अपान टू टाइम्स एक्स कैप। सेकेंड आंसर सेकेंड में दिया है सिग्मा अपान टू एप्सिलॉन नॉट टाइम्स वन प्लस रूट थ्री अपान टू, वन प्लस रूट थ्री अपान टू टाइम्स वाई कैप माइनस वन अपान टू टाइम्स एक्स कैप। सी में सिग्मा अपान टू एप्सिलॉन नॉट और वन माइनस रूट थ्री अपान टू टाइम्स वाई कैप और प्लस वन अपान टू टाइम्स एक्स कैप। और डी पार्ट में है सिग्मा अपान टू एप्सिलॉन नॉट और यहाँ ब्रैकेट में वन प्लस रूट थ्री अपान टू टाइम्स वाई प्लस वन अपान टू टाइम्स एक्स कैप। ये फोर ऑप्शंस में से एक करेक्ट है, वही देखना है। देखिए कैसे इसको हम देखेंगे, हमने क्या बताया अभी, यूनिट वेक्टर की कॉन्सेप्ट बताया ना, कि यूनिट वेक्टर की कॉन्सेप्ट मतलब ये बताया कि एक्स एक्सिस से अगर थीटा एंगल पर हो तो हम यूनिट वेक्टर फाइंड कर लेते हैं। अच्छा हमने ये बताया कई बार जोर दे करके इस कॉन्सेप्ट को बताया, अब देखिए इस क्यों इतना ज़्यादा जोर देते हैं यूनिट वेक्टर के कॉन्सेप्ट पर, उसका देखिए डायरेक्ट यूज यहाँ पर कितना आसान कर देगा क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है दो प्लेन्स हैं, ठीक है, दोनों प्लेन एक दूसरे से कितने इनफाइनाइट प्लेन्स दिया हुआ है, इनफाइनाइट प्लेन्स ऐसे है और ये साइड में ऐसे एक्स और वाई भी बना के दिया हुआ है, इस तरीके से इधर एक्स और इधर वाई दिया हुआ है। ये दोनों प्लेन्स के बीच, इनफाइनाइट प्लेन्स के बीच एंगल कितना है 30 डिग्री है, ये एंगल 30 डिग्री है, 30 डिग्री ठीक है। अच्छा एक प्लेन शीट ये है और एक प्लेन शीट ये है, इसका भी सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर है और इसकी भी सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर है, दोनों के बीच एंगल 30 है। इस रीजन में हमसे पूछा गया है, इस रीजन में पूछा जा रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बताइए। हम करेंगे क्या, हम ऐसा कर ले रहे हैं जैसे कोई प्लेन शीट हम लेते हैं, तो प्लेन शीट से जब इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं, जैसे प्लेन शीट आप ऐसे यहाँ लेते हैं और मान लीजिए कि यहाँ सिग्मा इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी इस पॉइंट पर आप निकालना चाहते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फार्मूला क्या आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड आता है सिग्मा अपान टू एप्सिलॉन नॉट टाइम्स एन कैप। एन कैप क्या होता है, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द सीट, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द सीट। जैसे इनफाइनाइट प्लेन सीट है, इससे कुछ दूरी पर कोई पॉइंट लिया, पॉइंट पी लिया, यहाँ पर हम क्या निकालना चाह रहे हैं, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाह रहे हैं तो ये फार्मूला होता है वेक्टर फॉर्म में, वैसे तो वैल्यू होती है सिग्मा अपान टू एप्सिलॉन नॉट, लेकिन अगर वेक्टर फॉर्म में बात करें तो क्या होता है सिग्मा अपान टू एप्सिलॉन नॉट टाइम्स एन कैप, ये होता है। अब देखिए मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए आपको दो चीज़ें चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू और प्लेट पर जो परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर है उससे मल्टीप्लाई कर देना है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन है। यहाँ देखिए यहाँ निकालना इस क्राइटेरिया, मान लीजिए यहाँ किसी पॉइंट पर निकालना है, हम यहाँ पर इस प्लेट की वजह से प्लेट नंबर वन कर दे रहे हैं, प्लेट नंबर वन और ये प्लेट नंबर टू है,
इस पर परपेंडिकुलर ले लें, इस पर परपेंडिकुलर, मान लीजिए कि इस पर परपेंडिकुलर एन वन लिख दे रहे हैं, एन वन, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर इवन इधर की तरफ ही आएगी, प्लेट नंबर वन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इवन इधर की तरफ आएगी, तो या तो ऐसे लिखते हैं इवन इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेट नंबर वन, और ये क्या करेंगे इवन इंटू इवन कैप करेंगे, इवन इंटू एन कैप, एन वन कैप कर दे रहे हैं, और ऐसे ही प्लेट नंबर टू पर देखिए, तो प्लेट नंबर टू पर भी निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ऐसे कर दें, ये प्लेट नंबर टू है, इस पर जो यूनिट वेक्टर होगा परपेंडिकुलर उसको हम एन टू कर दें, एन टू, तो यहाँ इसी पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकालें तो ई टू क्या आ जाएगा, ई टू इंटू एन टू कैप। अब देखिए ईवन और ई टू की वैल्यू तो सेम है, कितना, अरे जो प्लेट जैसी प्लेटें हैं वैसी प्लेटें हैं, किसी भी पॉइंट पर निकालने के लिए क्या होता है फार्मूला, सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। अब इस पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लीजिए पॉइंट पी है, इफ पी इज, इफ ई इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी बिटवीन द प्लेट्स एट एनी पॉइंट पी बिटवीन द प्लेट्स देन ई इक्वल टू ई वन प्लस ई टू। आपको सॉल्व करने में टाइम नहीं लगेगा, ये केवल समझाने के लिए मैंने लिख दिया इतना। इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा ई वन प्लस ई टू, और ई वन और ई टू कब हम लिख दें, तो ई वन ई टू क्या आ जाएगा, ई वन को हम लिख सकते हैं, ई वन को लिख सकते हैं ये E इक्वल टू ई वन की प्लेस पर ई वन इंटू एन वन प्लस ई टू इंटू एन टू, एन वन और एन टू क्या, एन वन परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर, या एन वन क्या है यूनिट नॉर्मल वेक्टर ऑन प्लेट वन, यूनिट नॉर्मल वेक्टर ऑन प्लेट वन। अब देखिए इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, ये सीधे सीधे वाई कैप हो जाएगा, एन वन वाई कैप, ऐसे इसको वन कर ले रहे हैं, और एन टू क्या आएगा, एन टू क्या है, एन टू यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू क्या, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेट टू, प्लेट टू पर परपेंडिकुलर। अब देखिए इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर चाहिए, ऐसे यूनिट वेक्टर चाहिए, और इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर अगर निकालें, जैसे ये वेक्टर ऐसे आ रहा है, इधर की तरफ निकालना है, इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर क्या आएगा, ये एंगल 30 या 90 है, ये क्या हो जाएगा 60, ये 60 आ गया। अगर इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर निकालना हो तो क्या करेंगे, आर कैप इक्वल टू कॉस 60 आई प्लस साइन 60 जे, क्या आएगा वन अपॉन टू आई प्लस रूट थ्री अपॉन टू जे आएगा, लेकिन हमको इस डायरेक्शन में चाहिए, एन टू क्या है आर के जस्ट अपोजिट है, तो एन टू को क्या लिख देंगे, एन टू को हमें फाइंड करना है, ये इधर की तरफ यूनिट वेक्टर चाहिए, और इधर का यूनिट वेक्टर हमें पता हो जाएगा, कर लिया तो एन टू कैप माइनस आर कैप कर दें, क्या हो जाएगा माइनस वन अपॉन टू टाइम्स आई कैप माइनस रूट थ्री अपॉन टू टाइम्स जे कैप, या इसी को अगर एक्स कैप की लैंग्वेज में लिखें तो ये लिख दें एक्स कैप माइनस रूट थ्री अपॉन टू टाइम्स वाई कैप, ये एन टू कैप है, ये एन टू हो गया। और ई वन ई टू है कितना, ई वन इक्वल टू ई टू इक्वल टू कितना, सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट है। अभी वैल्यूज यूज कर दें, यूजिंग टू थ्री फोर इन वन, यूजिंग टू थ्री एंड फोर इन वन, वन में जब यूज करेंगे तो ये क्या जाएगा, ई वन की जगह ई वन और ई टू इक्वल हो चुका है, सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट ऐसे कर लिया,
और एन वन की वैल्यू रख दें वाई कैप, और एन टू की वैल्यू माइनस वन अपान टू टाइम्स एक्स कैप माइनस रूट थ्री अपान टू टाइम्स वाई कैप, और यहाँ इसको रीअरेंज कर दें जैसा आंसर निकालना उसके हिसाब से कर दें, सिग्मा अपान टू एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ क्या आ जाएगा वन माइनस रूट थ्री अपान टू टाइम्स वाई कैप माइनस वन अपान टू टाइम्स एक्स कैप, ये ई वेक्टर आ गया। ये ऑप्शन ए करेक्ट होगा, उसमें ऑप्शन में देखिए तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, आंसर ऑप्शन ए आएगा करेक्ट। अब जैसे आपके दिमाग में ये चीज़ आ रही होगी कि इतना इतना ज़्यादा बड़ा हो रहा है, ये आपको समझाने के लिए ऐसे हमने कर दिया है, आप जब करेंगे तो क्या होगा, इस पर एन कैप मतलब इस पर सीधे जे कैप वाई कैप, इस पर निकालना है तो सीधे इसको ऐसे बढ़ा करके कितना हो जाएगा 60 डिग्री, ऐसे जब बढ़ाएंगे इसको ये तो 60 डिग्री, तो इधर की तरफ यूनिट वेक्टर पा जाएंगे। अब इधर की तरफ यूनिट वेक्टर चाहिए, माइनस लगा देंगे। अब किया क्या, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी पॉइंट पी पर, पॉइंट पी कहाँ, इन दोनों के बीच के रीजन में कहीं पर, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया ईवन इनटू इस डायरेक्शन में क्या यूनिट वेक्टर, मतलब इस पर परपेंडिकुलर वेक्टर चाहिए, परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर एन वन ले लिया। अब और इस पर परपेंडिकुलर के लिए क्या, ये जैसे सेकेंड प्लेट है तो इस पर परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर इधर की तरफ आएगा, ऐसे क्या कर देंगे ई टू, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इसकी वजह से सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट इन टू इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर, तो इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर निकालने के लिए इधर की तरफ यूनिट वेक्टर निकाल के माइनस लगा दिया। तो इतना आपको लिखना थोड़ी है, लिखेंगे नहीं आप, मुश्किल से एक मिनट लगेगा दो मिनट, ये है। तो इस क्वेश्चन को बताने का बस ये रीज़न था कि यूनिट वेक्टर की कॉन्सेप्ट कैसे हम यूज करते हैं, क्यों यूनिट वेक्टर पे इतना जोर देते हैं यूनिट वेक्टर। अभी तो एक क्वेश्चन ऐसे बताया हमने, अभी कई जगह अप्लाई कर करके हम दिखाएंगे कि देखिए इसीलिए यूनिट वेक्टर की कॉन्सेप्ट पे इतना जोर दिया जाता है। ठीक है, मैथमेटिक्स में तो सीधे क्वेश्चन आते हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन फिजिक्स में जो क्वेश्चन होते हैं वेक्टर से रिलेटेड, तो केवल वेक्टर चैप्टर से नहीं, वो कहीं भी जहाँ अप्लाई करना रहता है, मैकेनिक्स में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, मैग्नेटोस्टैटिक्स में, तो वहाँ एप्लीकेशन कैसे करेंगे ये जानना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए इस क्वेश्चन को हमने हैंडल किया। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम बुक सेंड करेंगे।